गुड इवनिंग फ्रेंड्स एंड स्वागत है आपका मेरे साथ, मैं हूं सुनील सर और हम वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम में एक नई सीरीज लेकर के आए हैं जिसका हमने कुछ पार्ट कल भी पढ़ा था, जिसका नाम है फिलर्स। और फिलर्स के अंदर हम प्रीपोजिशंस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हुए आज इस पर पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिलर्स को प्रीपोजिशन के रूप में इस्तेमाल करना, यकीन कहता हूं अगर इसमें जितने क्वेश्चन है उसका आप 50-60% अगर आपके आते हैं तो इसका मतलब आपने कुछ बहुत अच्छा नहीं किया है। ऑलमोस्ट 80% आपके करेक्ट होने चाहिए, और 80% अगर आपके करेक्ट होते हैं इसका मतलब CDS-2 की तैयारी आपकी क्या है, बहुत ही उम्दा है। CDS-2 की आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत ही उम्दा, पर इतने नंबर आएंगे नहीं ये मैं आपको गारंटी से बता दूँ। ये एक जो आपको रेगुलर कहा जाता है कि आप डिफेंस पे जब जुड़े हुए हैं तो अनअकैडमी का ये जो प्लस कोर्स है सब्सक्रिप्शन, वो प्लस कोर्स जैसे ही आप लेंगे आपको नील कोड 10 टाइप करना है। ये कोड जो है मेरा आप लिखा हुआ है इसमें, इस कोड को आप जैसे ही लगाएंगे आपको 10% इस रेफरल कोड के साथ डिस्काउंट मिलेगी, तो प्लीज उसे अवेल कीजिए। आइए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ कि पहले वाक्य में क्या, उसके बाद मैं आपको पीछे टीचिंग में लेके चलूंगा। अ गर्ल विद ब्लू आईज हैज जस्ट गॉन, जैसे हैज जस्ट गॉन है, जस्ट गॉन, और यहां पर क्या दिया हुआ, द डोर, राइट दोस्तों। तो जब भी हम किसी चीज को पैसेज की तरह इस्तेमाल करते हैं ऐसे, ये देख रहे हो आप, ये गर्ल है यहां पे, मान लो कि यहां पर ये गर्ल थी, एम आई राइट, और इसके दोनों तरफ क्या है, पैसेज है। अब आप बोलोगे पैसेज क्यों है, क्योंकि दरवाजा चौखट का है। ऐसे में दोस्तों क्या हो गई, बंदी थ्रू हो गई दरवाजे से, ये बंदी इस दरवाजे से क्या हो गई दोस्तों, थ्रू हो गए, थ्रू द डोर, थ्रू है इसमें एग्जैक्टली दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। देखिए आप सिर्फ आप ये देखते चलिए मेरे साथ कि मैं एक्सप्लेन करता हूं आपका जवाब क्या है और हम ये किसको कहते हैं। फिर वही बात आ गई, जो नहीं देखना चाहते चैनल या जिनको लगता है कि मैं इंग्लिश में बहुत स्मार्ट हूं, उनके लिए मेरे पास एक ही जवाब है, 17 नंबर क्वेश्चन को करके दिखाइए आप क्या होगा। चलिए, हिज जीनियस बॉर्डर्स, क्या होगा इसका, चलिए आपका जवाब तो आ जाना चाहिए, हिज जीनियस बॉर्डर्स क्या होगा, बोलिए मैं लिख दूं, चलिए ऑप्शन लिख देता हूं पहले, हिज जीनियस बॉर्डर्स ऑन ल्यूनेसी। अब आपको सीखना क्या वो जरा ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई चीज बॉर्डर ऑन होती है इसका मतलब होता है वेरी सिमिलर, जिसको कहते हैं जस्ट लाइक। तो अब इसकी हिंदी बता रहा हूं सर, कई को दिक्कत आ सकती है जो है ना, हिज जीनियस का मतलब है उसकी बुद्धि, बॉर्डर्स ऑन बिल्कुल, कई बार तो बराबर हो जाती है, ल्यूनेसी का मतलब पागलपन, तो उसकी बुद्धि जो है कभी कभी पागलपन के एकदम बराबर हो जाती है। तो कभी कभी किसी इंसान की जीनियस जो है वो क्या होती है, बोलिए बॉर्डर कर जाती है, बॉर्डर ऑन कर जाती है, मींस ये है कि वो समान हो जाती है किसके, पागलपन के। छोटा सा एग्जांपल दूंगा, चाहे न्यूटन हो चाहे आइंस्टीन हो, इनकी जीनियस हमेशा क्या होती थी, सनक और पागलपन के बराबर हो जाती थी कभी कभी, राइट, 100 एक्सपेरिमेंट करके चीजों को तोड़ देना। तो ये बॉर्डर सॉन का मतलब है इक्वल्स टू जस्ट लाइक या वेरी सिमिलर। रवि इज मैरिड, ये बहुत ईजी है, जब भी मैरिड होगा, यहां लड़का हो इधर मेल हो, शब्दों की ओर ध्यान दें, इधर मेल हो इधर फीमेल हो, या इधर फीमेल हो इधर मेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रीपोजिशन तो टू ही आएगा। बहुत से टीचर कहते थे अगर फीमेल मैरिड है तब तो विद होगी, विद मनोज, और रवि मैरिड है लड़का है तो टू हो जाएगा, टू संजना अंजना। गलत है, मेल फीमेल का कंसेप्ट नहीं चलता है, मैरिड टू अ कजिन ऑफ माइन, ठीक है। CDS की क्लास देख रहे हैं आप सुनील सर के साथ वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम पे, और इंपॉर्टेंट सेशन का डिस्कशन चल रहा है। आपको क्या लगता है कि ये इजी है ये हार्ड है, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर आपने नवंबर तक लगातार फर्स्ट वीक तक इस सेशन को देखा है और रेगुलर जुड़े रहे हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपके खिलाफ साजिश कर ले और आपकी कामयाबी को रोक सके, ठीक है। तो जरा ध्यान देंगे इसको, व्हेन आई पार्टेड, दोस्तों यहां चक्कर आ जाता है कई बार, पार्टेड के साथ क्या आता है, विद भी आता है, पार्टेड के साथ क्या आता है, फ्रॉम भी आता है, आप करेंगे क्या। क्या होता है कि जब आप किसी चीज को, ध्यान से सुनोगे, जब आप किसी चीज को अपने से अलग करते हैं, यानी कि देना, आप किसी चीज को देना
या अपने से किसी दूसरे को ट्रांसफर करना, तब तो आप क्या लगाते हो विद। और जब आप किसी से अलग होते हो, जुदा होते हो, तो ऐसे में आप क्या लगाते हो फ्रॉम, ठीक है ना। तो व्हेन आई पार्टेड फ्रॉम माय मदर, सही जवाब क्या है, व्हेन आई पार्टेड फ्रॉम माय मदर, और सही जवाब आएगा इसमें ए, ठीक है। लेकिन अगर आपने अपने दोस्त को नगद दी है, कुछ मान लो आपका दोस्त आ गया आपके पास और बोला यार 500 रुपए चाहिए, रिचार्ज करवाना है, और कुकू है ना तेरी भाभी, उसको मूवी ले जानी है ना, तो आपने उसे कैश दिया, तो इस बार आपके पास से कैश क्या हो गया, चला गया। अब पार्टेड फ्रॉम कैश नहीं होगा, आई पार्टेड विद कैश, यहां विद लगाओगे आप, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखनी है, पार्टेड फ्रॉम समबडी, पार्टेड फ्रॉम बिकॉज कि आप उससे अलग या जुदा होते हो। इंग्लिश टू इंग्लिश वर्ड सिखा देता हूं, अगर आपको मेरी टीचिंग में थोड़ा सा भी अगर आपको लगे कि मैं सफल कर सकता हूं। सेपरेशन जो होता है ना, डिसयूनियन, अलगाव, डिसयूनियन, सेपरेशन, यूनियन का मतलब होता है मेल, तो यूनियन से जब डिसयूनियन या सेपरेशन होता है तो हम किसका प्रयोग करते हैं इंसानों के साथ, फ्रॉम का। और हम अपने पास से किसी वस्तु या चीज को जो है, गुड्स एंड थिंग्स को जब पार्ट करते हैं तो उसके साथ मोस्टली हम किसको करते हैं, पार्ट विद का। आया समझ में दोस्तों, चलिए अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। कन्वर्सेशन वॉज कैरिड ऑन इन विस्पर्स, विस्पर्स का मतलब आप समझते हो, ठीक है, काना फूसी में बातें चल रही थी, राइट, जैसे कोई सभा है, लोग बैठे हैं, 50 मैनेजर को बोला था, अरे उसको क्या पता, तुम्हें पता, हाँ मैंने तो बात ही नहीं हुई थी, ये जो चल रही है, ये जो मैंने आप करके दिखाया ना, ये विस्पर्स है, और विस्पर्स में लोगों में बातचीत हो रही थी आपस में, विस्पर्स में यानी कि लोग आपस में कानाफूसी में बातचीत कर रहे थे, तो किसका प्रयोग करेंगे दोस्तों, अपन इनका प्रयोग करेंगे। सही एग्जाम्पल क्या हो जाएगा दोस्तों, डी हो जाएगा हमारा, राइट। पीछे भी हमने ऑप्शंस लिखे होंगे सब में, इसमें नहीं लिखा तो बता देता हूं, पार्टेड फ्रॉम रवि इज मैरिड टू, इसमें जवाब हो गया आपका बी, इसका जवाब क्या हो गया आपका बी। पीछे चलेंगे, इसका जवाब लिख दिया मैंने सी, बॉर्डर सॉन्ग अ गर्ल विद ब्लू आईज कर ही दिया अपन ने, है ना, और पार्टेड विद इसमें लिख दिया अपन ने ए, फ्रॉम माय मदर इन विस्पर्स। ऑर्डर माने आदेश, फॉर हिज रिलीज, उसकी रिहाई के लिए आदेश जारी हुआ है, उसकी रिहाई के लिए, ऐसे देखिए के लिए इक्वल टू क्या आ जाएगा, फॉर माने के लिए, तो सही जवाब क्या हो जाएगा आपका प्रीपोजिशन दोस्तों बी, फॉर बनारस। नेक्स्ट में चलेंगे, माई मदर इज एफ्लिक्टेड विथ, है क्या दोस्तों, जब भी आप एफ्लिक्टेड विथ होते हो, एफ्लिक्टेड विथ पेन इन ज्वाइंट्स, तो दर्द से पीड़ित है, घुटनों के दर्द से, जोड़ों के दर्द से, मेरी मदर जो है वो जोड़ों के दर्द से पीड़ित है, राइट। तो एफ्लिक्टेड के बाद में क्या आएगा दोस्तों, हमेशा बोलिए मेरे साथ विद आएगा, क्या आएगा एफ्लिक्टेड के साथ, ऑलवेज विद आएगा दोस्तों। सुनील सर के साथ सीडीएस की क्लासेस देख रहे हैं आप, सीडीएस 2 में, और मैं एक सीरीज चला रहा हूं लगातार, 25-25, 30-30, 35-35 क्वेश्चन हर पार्ट से आपको मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, और इतना आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ वीडियो को देखना है और आराम से हेडफोन्स लगा करके सुनना है कि मैं किस चीज को कैसे बोल रहा हूं, आपको इसके अलावा कुछ नहीं करना, मेरे पे छोड़ दीजिए आप। विथ योर हेल्प आई कुड टाइड, मैं तो इसको तो खैर मैं तो इंग्लिश बोलता हूं, आई बीन इन द हैबिट ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश राइट सिंस व्हेन आई वाज एट द एज ऑफ 3 or 4 अराउंड, यू नो 1974, इट मस्ट बी द फर्स्ट ईयर देन आई स्टार्टेड, व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग यू नो इंग्लिश लैंग्वेज इन इंग्लिश करिकुलम राइट फ्रॉम द बेसिक्स यू नो ऑफ माय चाइल्डहुड व्हेन आई वाज इन क्लास से 2 or 3 समथिंग लाइक दैट। तो मुझे तो अभी मुंह से निकल गया, ये क्या होगा इसका जवाब, टाइड ओवर है क्या, ये दिया हुआ, थैंक यू। आई कुड टाइड ओवर माई डिफिकल्टीज, टाइड ओवर का मतलब यहां पे है ना नियंत्रण पा लेना, नियंत्रण या कंट्रोल, जब टाइड ओवर करते हैं तो आप किसी चीज पर क्या करते हैं, कंट्रोल पा लेते हैं, तो इसका अर्थ क्या हो गया, इसका अर्थ हो गया आपका कि आपका जवाब हो जाएगा बी। इनमें सुन लेना, व्हेन यू टाइड ओवर समथिंग, टाइड ओवर का मतलब है
यू हैव बीन एबल टू टैकल द सिचुएशन, यू हैव बीन एबल टू कंट्रोल द सिचुएशन वेरी क्लियरली, एम आई राइट? पावर कट हो गया दोस्तों, अगर आप कहें तो मैं ऐसे ही पढ़ा दूं, मैं थोड़ा बहुत आपको दिखूंगा, है ना, जितना भी दिखो दोस्तों, स्लाइड इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप स्लाइड की ओर ध्यान दें। बिजली आएगी, बिजली जाएगी, पावर कट होंगे, लेकिन आपके हमारे और आपकी हमारी तैयारी के बीच में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, इस उम्मीद के साथ कि आप साथ रहेंगे। मैं अगला क्वेश्चन शुरू करता हूं। पावर चला गया है, द मिनिस्टर विल बी रिक्वेस्टेड टू गिव द प्राइजेस टू द विनर्स। दोस्तों क्या होता है, जब भी डिस्ट्रीब्यूशन की बात आती है तो प्रीपोजिशन क्या लगता है, गिव अवे, गिव, गिव को अवे के साथ लगा दोगे फ्रेजल वर्ब तो ये हो जाएगी बांटना। क्या हो जाएगा इसका अर्थ, बांटना। इसे दूसरे शब्दों में कहते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूट करना, क्या करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा सही जवाब आपका ए फॉर अहमदाबाद। छोटे शॉर्ट और स्वीट वीडियोस पढ़ेंगे अपन, छोटे शॉर्ट और स्वीट लेक्चर्स, जिसमें बहुत ज्यादा अपन को टाइम ना लगानी पड़े। आप जीके को टाइम दीजिए, मैथ्स को टाइम दीजिए, है ना, इंग्लिश को आप कट टू कट देखिए आप। शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक डैश हार्ट, आंसर इसका आप देंगे, मैं नहीं दूंगा, आप देंगे इसका आंसर। शी सेड दैट शी वाज फीलिंग सिक। देखना, जब भी कोई सब्जेक्ट होता है और वो अपनी वर्क करता है, है ना, और उसके बाद में उसका एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव, तो ये तो लिंकिंग वर्ब है, फीलिंग यहां पर लिंकिंग वर्ब है, आपको इतना नहीं समझने की जरूरत है, ये हम लोग फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर टीचर्स को पढ़ाते हैं। तो लिंकिंग वर्ब के बाद में जब भी आपका एडजेक्टिव आता है, तो आप बीमार जिस जगह पर शरीर का जो अंग है ना, जिस अंग से आपकी बीमारी को जोड़ा जा रहा है, उसके लिए आप क्या लगेंगे, उसके लिए आप क्या लगाओगे, एट। शी वॉज फीलिंग सिक एट हार्ट, राइट, एट हार्ट, एम आई राइट, ठीक है ना। तो सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों आपका, इसका सही जवाब हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट, दोज हु काउंट डैश अदर्स हेल्प जनरली लूज द गेम। दोज हु काउंट, काउंट के बाद ऑन लगाइए, है क्या, ठीक है, ठीक है, काउंट ऑन। अब ध्यान से सुनिए प्लीज, काउंट ऑन क्यों आया, इस वाक्य की हिंदी है निर्भर रह, निर्भर करना, जब जो दूसरों की मदद, आगे लाइक, थैंक यू वेरी मच, जो दूसरों की मदद पे निर्भर करते हैं ना दोस्त, वो कभी भी अपनी जिंदगी में कामयाब नहीं होते हैं। तो काउंट ऑन का मतलब टू डिपेंड, काउंट ऑन का मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसकी इंग्लिश हो गई टू डिपेंड, राइट। और सही जवाब क्या हो गया इसका, इसका सही जवाब हो गया डी फॉर, ठीक है, देहरादून। आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन में। द लायन स्प्रैंग, कोई कहने की जरूरत ही नहीं है, जब लायन है तो स्प्रैंग करेगा, स्प्रैंग का मतलब ये है कि जैसे ये जमीन है, है ना, और ये आपके, जैसे ये आपके कोई जानवर है, राइट, गाय, राइट, ठीक है, ये पूंछ मान लो इसकी और ये इसका खूबड़ मान लो, तो इस पर जब, यहां पर जो लायन है, इस जगह जो शेर नाम का प्राणी है, शेर, वो जब इस पे, तो वो ऐसे नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा दोस्तों, वो ऐसे पहले ऊंचाई हासिल करेगा और फिर इस पे झपटेगा छलांग से, तो इसलिए ऊंचाई हासिल करने का प्रीपोजिशन आना चाहिए आपका। देखिए मैंने डायग्राम से पढ़ाने की कोशिश की है, द लायन स्प्रैंग अपॉन द काउ, एम आई राइट, जंप और स्प्रिंग में जहां उछलना, स्प्रिंग मतलब भी उछलना, पास्ट टेंस में उछला, जंप माने भी उछलना, तो उछाल जहां पर आएगी ना दोस्तों वर्ब में, उस उछाल के साथ हमेशा आपको क्या लेना है, ऊंचाई हासिल करनी है, और ऊंचाई हासिल करने का एक ही प्रीपोजिशन है दोस्तों, और वो है अपॉन। कैसा लगा एक्सप्लेनेशन डायग्राम के साथ, देखना बताना आप, नेपाल लाइज, नेपाल लाइज क्या आया, एक राष्ट्र तो इंडिया है, दूसरा चाइना है, बीच में क्या दिया हुआ है, एंड है, तो इसका मतलब नेपाल कहां अवस्थित है, भारत और चीन के बीच में, नेपाल लाइज बिटवीन इंडिया एंड चाइना, आपके पास और कोई उपाय नहीं है सी। इसका एक बहुत बढ़िया आपको प्रीपोजिशन मैं सिखाता हूं, मैं आगे लेके चलूंगा आपको अभी क्लास में, पीछे की तरफ स्लाइड में, तो आपको थोड़ा सा और अच्छा लगेगा। आई शैल स्टैंड बाय यू, मैं तेरे साथ रहूंगा थिक एंड थिन, थिक एंड थिन दोस्तों इडियम है जिसका अर्थ है थिक एंड थिन, सुख और दुख, सुख और दुख, मतलब हर मौसम में, दुख में सुख में मैं तेरे साथ रहूंगा, तो इसका मतलब यह है दुख और सुख से हमें क्या होगा, गुजरना पड़ेगा,
और गुजरने के लिए हमको पहले सुख और फिर दुख और फिर दुख और सुख के बीच से गुजरना पड़ेगा। तो बीच से गुजरने के लिए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा दोस्तों? थ्रू आएगा। अब आप तीन बार बोलेंगे अपने घर पे इस वीडियो को समाप्त करने के बाद में, लाइक शेयर कमेंट करने के बाद में, जब आप वीडियो से बाहर आएंगे, तो चाहे आप बाथरूम गए हो, चाहे छत पे गए हो, है ना, चाहे आप लाइक यू नो बालकनी में बैठे हों, चाहे वो खेत में गए हुए हों, या आप अपनी जमीन के किसी काम से गए हुए हों, सिर्फ आपको इतना बोलना है थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, थ्रू थिक एंड थिन, सुख दुख में, सुख दुख में, सुख दुख में, और ये आपको हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। मोहिनी रिजेंबलेंस, मोहिनी रिजेंबल्स, दोस्तों रिजेंबल्स का मतलब हूबहू, हूबहू, सुन रहे हैं आप, हूबहू दिखना, इसकी हिंदी होती है हूबहू दिखना। तो मोहिनी हूबहू दिखती है अपने मां के जैसे, तो मोहिनी रिजेंबल्स। दोस्तों जरा ध्यान से सुनना, रिजेंबल्स के बाद में सीधा उसका ऑब्जेक्ट आएगा, बीच में कोई प्रीपोजिशन नहीं आएगा। इसका सही जवाब है डी, नो प्रीपोजिशन नीडेड। क्यों? क्योंकि रिजेंबल्स इज इक्वल टू आगे नो प्रिपो, नो प्रिपोजिशन, रिजेंबल्स के आगे क्या होगा, कोई भी प्रिपोजिशन नहीं आएगा। कुछ लोग यहां पे कोशिश करते लगा देने की मोहिनी रिजेंबल्स टू हर मदर, ये एकदम गलत है। दोस्तों मैं एक चीज आपको और सिखाऊंगा पीछे में ऐसे कि भाई इसमें अपन को क्या करना चाहिए, बेसिकली चीजें कैसे आनी चाहिए। मैं एक नेपाल वाला क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है, तो आपको अच्छी चीज सिखाऊंगा, तो आप देखेंगे। यहां देखिए आप, एक प्रीपोजिशन मैंने जैसे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन नेपाल लाइज डैश द नॉर्थ ऑफ इंडिया। अब देखो क्या होता है, नेपाल बाहर भारत के क्या है, बाहर है ना, तो इन नहीं आएगा, और दो राष्ट्र है तो बिटवीन भी नहीं आएगा, क्योंकि एक ही राष्ट्र दिया हुआ भारत, तो बिटवीन कैंसिल। और चूंकि नेपाल भारत में नहीं है, भारत में उत्तर में नहीं है, भारत के बाहर है, इसलिए दोस्तों यहां पर क्या आएगा सही प्रीपोजिशन, यहां सही प्रीपोजिशन आएगा नेपाल लाइज टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत, नेपाल जो है भारत में उत्तर में नहीं है, नेपाल भारत के उत्तर में है, और ऐसे में प्रीपोजिशन क्या आ जाएगा, टू प्रीपोजिशन का प्रयोग आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप इसी पैटर्न में, जहां आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक है, जहां मैंने आपको कहा देर इज नो पेट्रोल पंप, ध्यान से सुनिएगा, ये आपके आया हुआ सीडीएस में है ना, देर इज नो पेट्रोल पंप द रेडियस ऑफ 5 kilometers, आपको लेना है, देर इज नो पेट्रोल पंप इन फर्स्ट में और टू में बिटवीन थर्ड में विदिन और फोर्थ में है ना अराउंड। चलिए रेडियस अगर है तो अराउंड तो ऐसे ही नहीं आएगा, ठीक है, बिटवीन इसलिए नहीं आएगा क्योंकि 5 किलोमीटर के साथ 8 किलोमीटर नहीं है, 5 किलोमीटर और 10 किलोमीटर के बीच में नहीं है, तब तो ऐसा तो है नहीं। इन अब बचा आपके पास क्या, इन इन नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ध्यान से सुनना, 5 किलोमीटर का रेडियस, मैंने क्या बोला उसको सुन लेना प्लीज, है ना, जो वर्ड है उसको प्लीज नोटिस करेंगे आप, 5 किलोमीटर का जो रेडियस है, आपने क्या किया, रेडियस जो है क्या होता है, एक फिक्स इलाका होता है, फिक्स कि 5 किलोमीटर के दायरे में, तो इन बहुत बड़ा होता है, जब आप दायरे को फिक्स कर देते हैं ना, तो आपकी हिंदी होती है 5 किलोमीटर के अंदर अंदर कोई कैपेट, तो यहां पर ये आ जाएगा प्रीपोजिशन दोस्त आपका विद इन आ जाएगा, क्योंकि हमने एरिया को क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, तो विद इन का प्रयोग फिक्स एरिया में होता है, इनका प्रयोग बड़े एरिया में होता है, विद इन द रेडियस ऑफ 5 किलोमीटर, आपको समझ में आ गया, ये इसलिए क्योंकि हमने 5 किलोमीटर को फिक्स कर दिया। तो आप मेरे साथ में सीडीएस की तैयारी में, फिलर्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ आप, और ये हम पिछले कई दिनों से लगातार क्लासेस कर रहे हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, इवनिंग में 5 बजे जो क्लास, 5:30 बजे जो हमारा टेस्ट शेड्यूल चलता है, उस शेड्यूल को आप प्लीज नजरअंदाज न करें,
लाइव टेस्ट में अपियर करें, लाइव टेस्ट जो हमारा चैनल उस पर अपियर करें, और 5:30 पर आप उस चैनल पे प्लीज जरूर से आए। और डिफेंस एग्जाम में 11 बजे भी क्लास देखें एयरफोर्स की, 4 बजे भी क्लास देखें, और प्लीज आप रात 9 बजे भी क्लासेस में प्रेजेंट रहें। और इसके अलावा सीबीएसई की जो हमारी क्लासेस हैं बच्चों की, छोटे बच्चों के लिए सीबीएसई में 9th से लेकर के 12th तक, 9 to 12th तक का जो स्लॉट है हमारा, इस स्लॉट को भी आप रेगुलरली वॉच करें प्लीज। सीबीएसई हमारा जो चैनल है ना 9 to 12th का, उस पर आपको ये बहुत अच्छी अच्छी फैंटास्टिक टीचिंग मिलेगी। और अनअकैडमी का ऐप जो है, प्लीज ऐप पर कोर्स परचेज के लिए आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे, ऐप को इंस्टॉल करने के बाद में सारी प्रोसेस जो उस प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, और आप उसको प्लीज है ना ऐप को इंस्टॉल करके उसमें जो कोर्स होते हैं अपडेटेड, उन कोर्स को आप परचेज करेंगे। सुनील सर कह रहे हैं आपको थैंक यू, छोटा सेशन रहेगा क्योंकि इवनिंग का स्लॉट है, नाइट का स्लॉट है, इसमें बहुत ज्यादा टाइम हमारे पास नहीं आती है। सीडीएस 2 की तैयारी कर रहे हैं मेरे साथ, हर वो चीज करवा दूंगा आपको जिसकी आपको सख्त जरूरत है। फिलर को अभी हम कुछ दिन के लिए एक बार ब्रेक देंगे, और उसके बाद में हम फिर नए इवेंट को फिर से आपके सामने लेकर के आएंगे। कल मेरी दोबारा मुलाकात हो जाएगी आपकी 9 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, गुड बाय, सब्बा खैर, अलविदा, गुड नाइट।